आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है चिकन अचारी। यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने किन किन सामान को तैयार किया है। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जो कि हमें कट करने हैं। 1 किलो चिकन लिया है और आधा किलो मैंने यहाँ पे दही ली है। चलें फिर शुरुआत करते हैं बनाने की अचारी चिकन। सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। नॉनस्टिक भिगोना ले रही हूँ, उसमें अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कटी हुई प्याज इसमें फ्राई करते हैं। देखिए ब्राउन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई करते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाने का, 1/2 टीस्पून कलौंजी का, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट का, 1 टीस्पून पिसे हुए गरम मसाले का। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक पाउडर। अब हम प्याज के साथ मसाला पीस लेते हैं मिक्सर में। चलें फिर पीसते हैं। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं पिसा हुआ मसाला इस तरह से। अब चिकन को मसाले के साथ फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको कवर करके रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं दही। बाद अब इसमें ऐड करते हैं चाट मसाला जो कि मैंने 2 टीस्पून लिया हुआ है। अब इसमें 1 बाउल पानी का डालकर इसे कवर करके पकने के लिए रख देते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए। मिनट पकाने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं अदरक जो कि मैंने बारीक काटा हुआ है, हरी मिर्च ये भी मैंने बारीक काटी हुई है और हरा धनिया ऐड करते हैं। ये सब डालकर हम फिर से सालन को कवर करके रख देते हैं जब तक कि बोटी सॉफ्ट ना हो जाए। माँ गरम अचारी चिकन बनकर तैयार हैं। चले अब इसको सर्व करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।